हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित। आज हम इंडिगो कंपनी का 130 वाट का मिनी ग्राइंडर क्राफ्ट मशीन का फुल रिव्यू करेंगे जो हमने अमेजोन से परचेज किया है। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इसे हमने 1899 में अमेजोन से परचेज किया है। इसके साथ हमें 52 पीस का ये मिनी एक्सेसरीज बॉक्स मिला है, जिसमें दो ड्रिल बीट है, ग्राइंडर टूल्स, कोलेट नट, और ये एडिशनल कार्बन ब्रश है, जिसके खराब हो जाने के बाद आप इसे खोल के यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। वेयर इज स्पैनर, ये स्पैनर हमें मिल गया। अब हम मशीन का टेस्ट करते हैं। ये स्पैंडल लॉक है, इसे प्रेस करने के बाद ही आप इसे टाइट कर सकते हैं और स्पैनर से कंप्लीट। यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हाई हो गई और ये लो। तो अब हम मैनुअल बुक देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। यहाँ देखेंगे स्पीड सिलेक्टर, पावर केबल, ऑन ऑफ स्विच, विथ 52 एक्सेसरीज, वन पीस फ्लेक्सिबल शाफ्ट दिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो अभी हमने किया था। और यहाँ ऊपर देखते हैं तो 130 वाट और 10,000 टू 32,000 आरपीएम की स्पीड मिलती है, 2.3 mm। ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसे लगातार 30 मिनट चला सकते हैं, उसके बाद इसे 30 मिनट का रेस्ट चाहिए। दिस इज ऑपरेटिंग टाइम, ऑन 30 मिनट्स, ऑफ फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट पेज पे इसके ऑपरेटिंग के बारे में दिया हुआ है, कैसे यूज होते हैं, यहाँ बुश कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में, यहाँ 52 एक्सेसरीज दी हुई है कि क्या क्या इसके साथ आपको मिल रहा है, और ये बहुत बेटर है। इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिलता है कि मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। तो चलिए अब हम मशीन का प्रैक्टिकल करते हैं। ये अब और हाई स्पीड पर और ये आप मैक्सिमम स्पीड पे,
रियली ये बहुत ही स्मूथ चल रही है। सो अब हम इसे फ्लेक्सिबल शाफ्ट के थ्रू टेस्ट करके देखते हैं। अगर इस मशीन के लिए और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। वाकई काफ़ी स्मूथ चल रहा है, थोड़ा भी हाथ शेक नहीं किया। दोस्तों इसे कम्प्लीटली चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। आप इसे होम यूज़ के लिए परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।